हाय गाइज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे तेलुगु मूवी भीष्मा के टोटल 17 दिनों के रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म ने टोटल 17 दिनों में कितने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किए हैं और इस फिल्म को सुपर हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों, अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बीकी किरमुला। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सूर्य देवरा और नागा वासमी। दोस्तों, इस फिल्म में म्यूजिक दिया है माता श्वरा सागर ने। अगर बात की जाए जनरल की, रोमांटिक कॉमेडी और साथ ही साथ एक्शन का ज़बरदस्त आपको तड़का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में तेलुगु के माने जाने स्टार निथिन और राम का माथम देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की मूल रूप से बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि फिल्म बनकर तैयार हुई लगभग 25 करोड़ के बजट में। प्रिंट पब्लिसिटी कॉस्ट यानी कि प्रमोशन प्रचार में खर्च गए थे लगभग 3 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 30 करोड़। दोस्तों, अगर बात की जाए स्क्रीनिंग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया था लगभग 1200 स्क्रीन पर। ओवरसीज में इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया स्क्रीन दिए गए थे। ओवरसीज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था लगभग 300 स्क्रीन पर। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं लगभग 1500। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें पर डे इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 9.50 करोड़ का, जो कि बेहद ही शानदार कलेक्शन थी। दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली थी। दूसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 6.50 करोड़ का। तीसरे दिन यानी कि संडे को वही सेम ही कलेक्शन था। संडे को इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 6 करोड़ के आसपास। दोस्तों, फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने इंडिया से कलेक्शन किया था लगभग 30 करोड़ के आसपास। दोस्तों, सेकंड वीक की अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें सेकंड वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 8.30 करोड़ का। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की मूल रूप से 16वें और 17वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें 16वें दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया है लगभग 25 लाख के आसपास। वहीं बात की जाए 17वें दिन यानी कि आज संडे के नाते थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आज ये फिल्म इंडिया में कलेक्शन कर सकती है लगभग 35 से लेकर 40 लाख के आसपास। दोस्तों, आज वाला रियल वाला कलेक्शन कल शाम तक आ जाएगा। जैसे ही आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तुरंत। दोस्तों, इस फिल्म के टोटल 17 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन होते हैं लगभग 35 करोड़ के आसपास। वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 44 करोड़ के आसपास। ओवरसीज से इस फिल्म ने बेहद ही शानदार कलेक्शन किया है। ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया लगभग 11.20 करोड़ का। दोस्तों, इस फिल्म के टोटल आल 17 दिनों के कलेक्शन होते हैं लगभग 56.20 करोड़ का। दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बता दें ऑलरेडी यह फिल्म पहले ही हिट हो चुकी है। सुपर हिट होने के लिए इस फिल्म को कम से कम 65 से लेकर 70 करोड़ का बिजनेस करना है। तो दोस्तों, क्या लगता है फिल्म सुपर हिट हो पाएगी? जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी रियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।